दिस इज़ द आवर सेकेंड लेक्चर फॉर द इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम करेंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे जून 2019 से मई 2020 तक, और हम प्रीवियस ईयर के 23 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि स्टैटिक है, जो करेंट पोर्शन से नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लेक्चर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द BEE स्टार रेटिंग। BEE स्टार रेटिंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली अनाउंस दैट माइक्रोवेव्स अवंस एंड इंडक्शन कुक टॉप विल नाउ इज असाइंड एट द स्टार रेटिंग। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम BEE स्टार रेटिंग की बात करें तो इसमें होम मिनिस्टर थोड़ी ना स्टार रेटिंग देगा, तो इसमें जो एनर्जी की मिनिस्ट्री होगी वो जो है कि स्टार रेटिंग देगी, क्योंकि एनर्जी एफिशियंसी से रिलेटेड है। सेकेंड है, BEE स्टार रेटिंग इज स्लोली बेस्ड ऑन द अप्लायंस पावर कंजम्पशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है कि रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ पावर कंजम्पशन के बेस पे ये नहीं होता, ये पावर एफिशिएंसी के बेस पे होता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा, सपोज जैसे माइक्रोवेव है या इंडक्शन है या वॉशिंग मशीन है, बेसिकली इसमें माइक्रोवेव को और वॉशिंग मशीन को दिया गया था स्टार रेटिंग, इंडक्शन को नहीं दिया गया था, कि जो इफिशियंटली पावर को कंज्यूम करें, यूज़ करें। और इसी तरीके से कई और भी इंडेक्सेस हैं जिसके बेस पे बनाते हैं ये, जिसके बेस पे रेटिंग देते हैं, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। ठीक है, जो सबसे लो एनर्जी यूज़ करती हैं उनको हाई स्टार रेटिंग देते हैं, और जो सबसे हाई ज़्यादा जो है कि एनर्जी कंज्यूम करती हैं उनको कम स्टार रेटिंग देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है कि स्टार रेटिंग देती है, जो दी है स्टार रेटिंग माइक्रोवेव को दी हुई है और वॉशिंग मशीन को दी हुई है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन को दी हुई है ये वॉलेंट्री बेसिस पे होती है, और ये इसका डेडलाइन है 31 दिसंबर 2020 इसका डेडलाइन है। और ये जो सबसे ज़्यादा कम जो है कि एनर्जी लेता है उसको हायर स्टार रेटिंग देते हैं, और जो सबसे ज़्यादा स्टार एनर्जी लेता है उसको कम स्टार रेटिंग देते हैं। तो इसके बारे में ये डिटेल में था। नेक्स्ट है, एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर। इन द लास्ट 5 ईयर इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इज द इंडिया। देखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूस तो चाइना करता है, अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछे तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो होगा वो चाइना होगा, बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो इंडिया है लास्ट 5 ईयर से लगातार, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, तो हमने देखा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड सिंस लास्ट डिकेड, वाइल चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द राइस। ठीक है, जो है चाइना राइस का प्रोड्यूसर लार्ज करता है, लेकिन एक्सपोर्टर जो है वो सेकेंड है। यहाँ पे देखें तो हम अगर राइस एक्सपोर्ट की बात करें परसेंटेज के फॉर्म में, जितना प्रोड्यूस करता है उसका 30.1% जो है एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया। और भी राइस एक्सपोर्टर हैं, जैसे थाईलैंड होगा, वियतनाम, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट एंड द चाइना। ठीक है, तो ये कुछ मेजर राइस एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है, परचेजिंग पावर पैरिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला है, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सपोज दिस इज ये कोई पेन है, और इस पेन का प्राइस डिफरेंट मार्केट में क्या है, उनकी पावर जो है परचेजिंग पावर कितनी है, तो इस बेस पे परचेजिंग पावर पैरिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट दिया है, द टर्म PPP डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इन टर्म ऑफ द PPP परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया इज नॉट द 6th, बट इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली वन करेक्ट है, तो ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट RBI टेक्स द स्टॉप द स्लाइड ऑफ द इंडियन रुपीज। ठीक है, तो देखो, अगर इंडियन रुपी फॉल होता है, सपोज एक इंडियन रुपी फॉल होगा किसके कंपेरिजन में, डॉलर के कंपेरिजन में। सपोज एक डॉलर के बदले हम जो है कंपेरिजन में कितने रुपी है, 60 रुपी। अगर एक डॉलर के कंपेरिजन में मान लो 61 रुपी हो गया, तो ये इंडियन रुपी फॉल हो गई ना, कि जो एक डॉलर का जो सामान था उसको खरीदने के लिए अब 61 रुपी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रुपी फॉल। इसको मेंटेन करने के लिए इंडिया क्या क्या मेजर्स ले सकता है, उसने पूछ रहा है कौन सा नहीं ले सकता। ठीक है, कौन सा नॉट द मोस्ट लाइकली, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला कर्विंग द इम्पोर्ट्स ऑफ द, देखो इसमें क्या होगा कि अगर
इस केस में इंडिया अगर फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं, जो फॉरेक्स करेंसी हैं, उनका अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा ले, ठीक है, इंडिया में अगर डॉलर कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर डॉलर ज़्यादा हो जाएगा तो रुपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगा। तो ऐसे इसके लिए इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहला, द कर्विंग द इम्पोर्ट्स ऑफ द नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ऐसे दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट है, ये कर सकता है कि जो देखो गुड्स जो होते हैं दो तरीके के, एक तो एसेंशियल होते हैं, दूसरे नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल में क्या होंगे कि जैसे सपोज प्लास्टिक वगैरह हो गया, है ना, कोई गेम वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हो गई, टॉयज़ वगैरह हो गई, तो ये सारे नॉन एसेंशियल होंगी। अगर इसको इंडिया इस इम्पोर्ट को बंद कर दे, ठीक है, अगर इस इम्पोर्ट को बंद कर दे तो, और एक्सपोर्ट को प्रमोट कर दे, अगर एक्सपोर्ट प्रमोट होगा तो भी इस कंडीशन में डॉलर आएगा, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट सपोज ज़्यादा हो रहा है, नॉन एसेंशियल गुड्स को वो बंद करके एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो डॉलर आएगा, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा। सेकंड बोला, इनकरेजिंग द इंडियन बोरोवर्स टू इश्यू द रूपी डिनोटेड मसाला बॉन्ड्स, ठीक है। अगर FDI वगैरह फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर उसको बढ़ा दे तो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे तो डॉलर वो लेके आएंगे, तो ऐसे कंडीशन में सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड है, ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो कंडीशन है उसको ईजी कर दे तो बाहर से बोरो होकर ज़्यादा आएगा, बोरो होकर किस फॉर्म में आएगा, डॉलर के फॉर्म में आएगा। तो सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर जो बोला, फॉलोइंग द एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं कि जो रुपी है, रुपी के फ्लो को मार्केट में बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट है, Among the agriculture commodities imported by the India, which one of the following accounts for the highest import in terms of values in the last 5 years? In terms of the values in the last 5 years में देखें तो vegetable oils की जो है वो सबसे ज़्यादा imports हो रहा है last 5 years में, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज़, और पूछ रहा कौन सा करेक्ट है। सेकंड, ऑल इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डोमिनेटेड इन द US डॉलर, ये क्या करेक्ट हो सकता है कि सारे जो एक्सटर्नल डेट हो रहा है वो US डॉलर में ही हो, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकेंड है, और क्योंकि सिर्फ ना तो US है बल्कि अदर कंट्रीज है जिनका मान लो कि यूरो वगैरह जो है यूरोपियन यूनियन का, वहाँ भी तो एक्सटर्नल डेट हो सकता है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला जो बोला, मोस्ट ऑफ द इंडिया एक्सटर्नल डेट इज ओन बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज, नॉट बाय गवर्नमेंट एंटिटीज बट बाय द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक ऑफ द इंडिया, देखो कौन सा कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया का एसेट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डिपॉजिट होगा। देखो जो भी डिपॉजिट करता है तो बैंक उसको विथ लायबिलिटी के साथ जो है, बैंक की लायबिलिटी हो जाती है कि उसको रिटर्न करेगा विथ द इंटरेस्ट, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक की एसेट नहीं होगा बल्कि वो लायबिलिटी होगी, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाई द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा जो है सेलेक्ट किया जाता है, हमारा ऑप्शन होगा ये। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, और ये फॉर्म हुई थी 2015 में, और ये रिप्लेस किसको किया था, ये रिप्लेस किया था अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट, इसको रिप्लेस किया करके बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो आया था, और ये एक तरीके की ऑटोनोमस बॉडी है जो कि जो चेयरमैन है पब्लिक सेक्टर बैंक को उसको सेलेक्ट करता है, उसको कौन बनेगा उसको चूज करता है। तो हमारा ऑप्शन होगा बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन ए गिवन ईयर्स इन द इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर स्टेट बिकॉज, देखो हर स्टेट में अगर एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हर चीज़ की प्राइस जो है वो वैरी करती है, अगर मतलब थोड़ा बहुत वैरी करती है, किसी में बहुत ज़्यादा वैरी करती है, तो उस स्टेट की प्राइस कमोडिटी प्राइस के अकॉर्डिंग वहाँ की पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पॉवर्टी रेट्स वैरी फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, है ना, प्राइस लेवल वैरी फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट।
फिर बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला बोल रहा है कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कोल को दो पार्ट में, तीन पार्ट में इसको नेशनलाइज किया गया था। दूसरा बोला नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस, नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये लॉटरी बेसिस पे नहीं, ये प्राइस बेसिस पे होती है। जो सबसे ज़्यादा प्राइस देगा उसी को कोल ब्लॉक्स जो है एलोकेट होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशियंट इन कोल कंजम्पशन, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज द कोल कंजम्पशन जो इंडिया में जो कोल है वो बहुत पुअर क्वालिटी का कोल है और जिस तरीके से हाई डिमांड है वो विदाउट इम्पोर्ट्स का वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, करेक्ट इज द वनली वन। थोड़ा सा इसके डिटेल में हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन नेशनलाइज कोल माइनिंग कई फेज में, एक तो कोकिंग कोल माइनिंग 1970 से 72 में और फिर नॉन कोकिंग कोल माइनिंग्स को 1973 में जो है नेशनलाइज किया गया हुआ था। किस एक्ट के थ्रू, कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973। दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला बोल रहा है इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द करेंसी क्राइसिस। बोला करेंसी क्राइसिस में कौन सा जो है जो ले सकते हैं, कौन सा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटर टू रिड्यूसिंग, रिड्यूस कौन कर सकता है। ठीक है, तो देखो क्राइसिस, करेंसी क्राइसिस रिडक्शन तब हो सकता है जब फॉरेक्स जो है, फॉरेन जो करेंसी है उसका इंडिया में क्या हो, इनफ्लो ज़्यादा हो, मतलब इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो। ठीक है, करेंसी का इम्पोर्ट्स इनफ्लो हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। पहला है कि द फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ द इंडिया आईटी सेक्टर, दिस इज द करेक्ट, क्योंकि आईटी सेक्टर के द्वारा जो फॉरेन करेंसी अर्निंग होगी उसकी वजह से भी जो रिड्यूस होगा करेंसी क्राइसिस, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड बोला इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज द नॉट करेक्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। थर्ड है रिमिटेंस फ्रॉम द इंडियन अब्रॉड। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो टू इन्वेस्टर टू ओवरसीज द इन्वेस्टर हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट द रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज कोई चाहता है कि वो यहाँ पे इंडिया में आके इन्वेस्ट करे। ठीक है, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करे लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आना चाहता, तो ऐसे कंडीशन वो किसकी हेल्प लेता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का सपोज मदद लेता है और इसके थ्रू इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करता है। तो सपोज इसको पैसे देगा और बोलेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो इसके बदले में क्या होगा कि इसको एक नोट जारी हो जाएगा जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, जिसको बोलते हैं पी नोट्स। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द फाइव ईयर प्लान्स। पहला की स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है फ्रॉम द सेकेंड फाइव ईयर प्लान देयर वॉज ए डिटरमाइंड ट्रस्ट टूअर्ड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री। देखो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सेकेंड फाइव ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से लोगों को जो है कि लोगों के हाथ में पैसे आए और एक्सपेंडिचर लोगों को बढ़े और लाइवलीहुड भी लोगों की इंप्रूव हुई थी। सेकेंड, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है द फोर्थ फाइव ईयर प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड्स ऑफ द इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इवन द जो है कि फाइनेंशियल सेक्टर को भी इस्टेब्लिश किया गया था, फाइनेंशियल सेक्टर को इस्टेब्लिश किया गया था किसमें, फोर्थ फाइव ईयर प्लान में। जो थर्ड बोल रहा है द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान ये सेकेंड फाइव ईयर प्लान में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, सॉरी फोर्थ फाइव ईयर प्लान में ही इंट्रोड्यूस किया कर दिया गया था। तो पहला एंड दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट, ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन बाय इंडियन बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मेन पर्पज था कि टू एम एट द फोस्टर रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड असेट ऑफ 50 करोड़ फॉर मोर विच अंडर द
कंस्टर्टम लेंडिंग। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट आया था, इसमें सपोज कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया में, और इन्वेस्ट करने के लिए उसके जो असेट्स होते हैं, सपोज वो स्ट्रेस में चले गए या तो वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इंडिया और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके बीच में एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन होता है बैंक के बीच में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट पूछ रहा था, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू द फार्म्स फार्मर्स प्लस, ठीक है। तो इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कि बोल रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और बोनस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। देखो जब भी जो है बोनस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मान लो कोई फूड ग्रेन है, ठीक है, फूड ग्रेन जो है वो सोर्स से लेके आएगा, वेयर हाउसिंग में उसको प्रोक्योर करेंगे, ठीक है, FPI वगैरह जिसके भी द्वारा, तो FCI वगैरह के द्वारा प्रोक्योर करने के बाद इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये ले जो फूड ग्रेन्स को लेके आना, ठीक है, इसको प्रोक्योर करने का कॉस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सबको मिला के जो है इसका पूरा इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं इसको। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में कौन सा आता है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा सी, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ द खरीफ क्रॉप इन द इंडिया द लास्ट 5 ईयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा हुआ है और कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है एरिया अंडर द राइस कल्टिवेशन इज द हाइएस्ट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सेकेंड बोला एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ जौर इज मोर देन द ऑयल सीड, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इंडिया में ऑयल सीड का जो कल्टिवेशन है वो जौर से ज़्यादा होता है, तो सेकेंड जो है इनकरेक्ट है। थर्ड बोला एरिया ऑफ द कॉटन कल्टिवेशन इज मोर देन दैट ऑफ द शुगर कैन, दिस इज द ऑल्सो ट्रू। एंड फोर्थ वन इज द एरिया अंडर द शुगर कैन कल्टिवेशन इज स्टीडली डिक्रीजेज, नॉट डिक्रीजेज बट द एरिया अंडर द शुगर कैन कल्टिवेशन इज स्टीडली इंक्रीजेज या कॉन्स्टेंट है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में पूछा है। ये सारे सवाल जो है प्रीवियस साल में पूछे जा चुके हैं। एंड पहला स्टेटमेंट है द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग द रेपो रेट टू कंटेन द इन्फ्लेशन विद इन द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सपोज इन्फ्लेशन जो है कि अगर बढ़ा है, इन्फ्लेशन अगर घटा है, तो इस टास्क को मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाई गई थी। सेकेंड, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, दिस इज द ऑल्सो ट्रू। एंड बोथ स्टेटमेंट और आर ट्रू एंड ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पूछ रहा है। बोला इट इज हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ द RBI, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट इज द हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द इट मॉनिटर द इशू ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन, दिस इज द ट्रू बिकॉज इट इशू द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड द फाइनेंशियल इंक्लूजन बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग रिफर्स टू द टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी यूज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज दैट एक्सप्लॉयट गैप्स एंड मिसमैच इन द टैक्स रूल्स टू द आर्टिफिशियल शिफ्ट प्रॉफिट टू द लो और नो टैक्स लोकेशन वेयर देयर इज ए लिटिल और नो इकोनॉमिक एक्टिविटी दिस प्रोजेक्ट इज हेडेड बाई। देखो इसको हम डिटेल में हमारे पहले लेक्चर में जो है डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इट इज द हेडेड बाई द OECD एंड ये 2012 से इसको हेड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डील्स विद द, आर्टिकल 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल बजट जो स्टेटमेंट है उससे उसको डील करता है, इसी को बजट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बजट टर्म इज द नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वाली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेंशन है, तो आर्टिकल 12 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इन विच ईयर द यूनियन बजट वर द प्रेजेंटेड विदाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यूनियन बजट जो है
विदाउट प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का 2017 से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद प्लानिंग कमीशन जो है वो ख़त्म हो गई थी। प्लानिंग कमीशन ना होने की वजह से जो जिस तरीके से प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हुआ करता था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा सी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द दिस मूव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2017। द यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड विदाउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फिर से प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ रहा है। पहला है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वॉज रिमूव ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, दिस इज द ट्रू। एंड सेकेंड, एट प्रेजेंट बजट एज प्रेजेंटेड अंडर द हेड्स ऑफ द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज द ऑल्सो ट्रू। बोथ आर द ट्रू एंड द ऑप्शन इज द करेक्ट सी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स ऑफ द 2020। एंड फर्स्ट है, इट इज द नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर द प्रोविजन्स ऑफ द सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एंड सेकेंड है, इट इज द सेटअप टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द इंडिया फॉर फिजिकल एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट इज द सी, क्योंकि दोनों करेक्ट है। और जिस तरीके हमारे जैसे UPI वगैरह हो गए, ठीक है, हमारे जो रुपए पेमेंट हो गया, कार्ड पेमेंट हो गया, जिस तरीके से सारी पेमेंट आती है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में ही आती हैं। और ये किसके अंडर में है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट ऑफ 2013 के अंदर में आया था। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द GST काउंसिल के बारे में पूछा है। दिस फैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज द GST काउंसिल इज द बॉडी दैट डिसाइड विच टैक्स लिविड अंडर सेंटर स्टेट एंड लोकल बॉडीज गोज इन टू द GST। सेकेंड है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल। एंड थर्ड वन, द GST काउंसिल हैज बीन इस्टेब्लिश्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि क्या टैक्स जो लगेगा वो सेंटर स्टेट और जो है लोकल बॉडीज़ के पास जाएगी लगेगा। और इसके मिनिस्टर जो होते हैं, चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और ये जो है कि बिल आया था 122 बिल आया था, उसके अंदर में ये जो है कि GST काउंसिल अमेंडमेंट आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। तो ये था हमारा अभी का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन, और कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। इस तरीके से हम पूरे जून 2019 से मई 2020 तक के सारे करेंट्स एंड स्टैटिक पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे विथ MCQ।